The other day, day before yesterday, in one program, one mother says, मेरा बच्चा openly आकर मुझे कहता है, सबकी मम्मी अच्छी है, एक आपको ही problem है सारी मेरे से. तो फिर मम्मी भी डाउट में आ जाती है, भाई मैं राइट कर रही हूँ या रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि अब तो मेरा बेटा ही मुझे रॉन्ग बोलने लग गया क्योंकि मैं राइट पर खड़ी हुई. यू सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट्स गोइंग टू गेट. इतना सिंपल नहीं रहा जैसे पहले था, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करो, ये नहीं करो, वो बोल रहे हैं. वो सिंप्लिसिटी चली गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है. और ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ क्रिएट हो रही है सारी? लेकिन उनके पास वो स्किल अभी नहीं है. उनकी तो ये कौन सी फेज ऑफ लाइफ होनी थी? ये उनकी कौन सी फेज ऑफ लाइफ होनी थी? मौज करो, बस थोड़ा सा पढ़ो, एग्जाम दो और एंजॉय करो लाइफ, बाद में देखेंगे ये सारा कुछ. जब उनकी फाउंडेशन ऑफ लाइफ डेवलप ही नहीं अभी हुई, जब उनकी सेल्फ एस्टीम की फाउंडेशन अभी बनी ही नहीं, उसी में इतने सारे उनके ऊपर बातें आ रही है कि वो हिल रहे हैं. तो ऐसे में हम सबका रोल नहीं बन रहा सेवा करने का. बनता है या नहीं बनता? बनता है या नहीं बनता है? हाँ, करते हैं? नहीं. अगर आप सिर्फ अपने मन का ध्यान रखते हैं, आपको पता भी नहीं है आपकी वाइब्रेशन कितने माइंड्स को शक्ति दे रही है. यू हैव नो आइडिया, क्योंकि ये वाइब्रेशन है ना, ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल होकर कहाँ तक पहुँच जाएगी. अगर आप सुबह 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन करते हैं और आप हायर वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो हवा से कहाँ कहाँ किसके पास पहुँच जाएगी. और कोई बहुत परेशान बैठा होगा और थोड़ी देर बाद बोलेगा, इट्स ओके, नाउ आई नो द आंसर, मैं कर लूँगा. कैसे किया उसने ये? क्योंकि कहीं से उसके पास एक एनर्जी आई थी. करेंगे हम अपने लिए, लेकिन बेनिफिट किसको होगा? इतनों को. और क्योंकि हमारे कर्म से उनको बेनिफिट होगा, तो उनके बेनिफिट की दुआएं आपके पास आनी ही आनी है. इवन इफ आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते. इट्स लाइक चैरिटी, डोनेशन, सेवा. आज आप किसी भी प्रोजेक्ट में धन डाल दो, पैसा लगाओ, आपको नहीं पता कि वो पैसा कौन से बच्चे की एजुकेशन में जा रहा है, कहाँ स्कूल बनने के लिए, हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है, आपको नहीं पता होगा. आपने सिर्फ एक चेक बनाया, दे दिया, लेकिन आपने एक कर्म किया. अब वो जिसकी भी हेल्थ को ठीक करेगा, जिसके भी बच्चे को पढ़ाएगा, जो बच्चा बड़े होकर बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ बहुत बन जाएगा, वो उसका परिवार जीवन भर दुआएं किसको देगा? जो निमित्त बने मेरे इस सफलता के. हम उनको जानते नहीं, वो हमें जानते नहीं. हमने सिर्फ कर्म किया, कर्म का फल आता जाएगा. इसी तरह अगर हम अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे, तो सिर्फ हमारी वाइब्रेशन ऊपर नहीं उठेगी, हमारी एनर्जी से बहुतों की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी. लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी नीचे जाने देंगे, तो हमारी एनर्जी की वजह से बहुतों की एनर्जी नीचे जाने वाली है. और वो भी हमारा कर्म है, वो भी हमारा कर्म है. तो हमारी एनर्जी सिर्फ हमारी एनर्जी से नीचे नहीं जाती. हम वो हवा में फैला के, फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, काफ़ी पोल्यूटेड शहर है. अब कौन कहाँ फैक्ट्री लगा रहा है, कौन कौन सा केमिकल यूज कर रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हवा दूषित हो गई. अब जब हवा दूषित होती है, शहर के दूसरे कोने में किसी को बैठ के लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है. उसको नहीं पता किसने पोल्यूशन किया है, लेकिन इफेक्ट किसको हो रहा है? इमोशनल पोल्यूशन कर हम रहे हैं. अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा बच्चों पर. और ये वही बच्चे हैं जिनकी इमोशनल ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ के लिए हम इतनी मेहनत करते हुए इमोशनल पोल्यूशन कर रहे हैं. तो इसलिए सब जिस तरह से भाग रहे हैं, उस तरह से भागना नहीं. रुक कर, पॉज करके चेक करना सही रास्ते पर भाग रहे हैं या कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इस रास्ते का रेपकर्शन तो अब पक्का है कि सही नहीं निकल रहा है. जब तक वो हमें हिट कर रहा था हम फिर भी उसके साथ चल सकते थे। हम चल ही तो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, स्ट्रेस के साथ भी चल रहे हैं, डिप्रेशन हो गया तो दवाई खा के भी चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो हम चल रहे हैं। लेकिन जब हमारे कर्मों का इफेक्ट बच्चों पर आएगा जिनके पास उतनी ताकत नहीं है उसके साथ चलने की, then it's going to be a very big question mark. तो before it becomes tougher, हमें क्या करना होगा? हवा को, हमें हवा को क्या करना होगा? This is not only for your children. It is for every child who is working in your office. It's for every child who is working in your team. Child of the parent working in your team. अगर उनकी मन की स्थिति अच्छी होगी वो घर जाएंगे, उनके घर के लोगों की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम भागेंगे, उनको भगाएंगे, किसी के मन को आराम करने नहीं देंगे, काम पे काम करते जाएंगे ये सोचकर कि परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ काम काम काम। भाई काम तो हमारे मम्मी पापा भी करते थे, काम तो हमारे नाना नानी दादा दादी भी करते थे, लेकिन हम तो अच्छे थे उस समय, इनको क्या हो गया? क्योंकि वो काम को जीवन का एक हिस्सा बनाते थे, हमने काम को ही जीवन बना दिया है। वो घर आते थे तो हमारे साथ होते थे, हम घर आके भी फोन के साथ बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं व्हाट टू डू, इट्स वर्क। It's not work, it's my personal choice. फिर डर लगता है अगर मैं थोड़ा सा स्लो हो गया या हो गई तो कोई और आगे चला जाएगा। तो जीवन रेस है ये किसने कहा था? लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। ये हमारी सबसे बड़ी वन सिंगल रॉन्ग थॉट है। इस रॉन्ग थॉट के साथ सारे थॉट्स रॉन्ग ही निकलते हैं इसके बाद। लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। भाग रहे हैं रेस में, थोड़ी देर भी अगर रेस में भागो तो एक्सपीरियंस कैसा होता है? आराम वाला एक्सपीरियंस होगा रेस में भागने से। थोड़ी देर के लिए 100 मीटर रेस, चलो 1 किलोमीटर मैराथन, कितने इमोशंस क्रिएट होते हैं, कितना फटीग क्रिएट होता है, कितना टायर्डनेस होता है, क्योंकि हम वो रेस में हैं। और हमने तो कहा जीवन ही एक रेस है, और खुद तो कहा उनको नर्सरी से सिखाना शुरू कर दिया, तैयारी करो बहुत कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन शब्द का बीज नर्सरी के एडमिशन से पहले डाल दिया उनके अंदर। लाइफ इज अ जर्नी। अपनी कैपेसिटी से जीना है, अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, अपनी स्पीड। आज हम सड़क पे भी गाड़ी चलाते हैं तो रेस थोड़ी करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो हर एक का गाड़ी चलाने का तरीका कैसा होगा? अलग अलग होगा। यही अगर आज आप यहां से 12 बजे निकलो और बोलो आई एम इन अ रेस, आपका गाड़ी चलाने का तरीका आपका रहेगा नहीं, क्योंकि आप किसकी तरह गाड़ी चलाने लग जाएंगे? आप किसकी तरह गाड़ी चलाने लग जाएंगे? ये फास्ट जा रहा है, ये फास्ट जा रहा है, इसके आगे जाना है, इस तो वो कैसे भी चलाए मेरे को उसके आगे जाना है, बिकॉज लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। वो रेड सिग्नल भी नहीं रुकेगा, हम भी नहीं रुकेंगे। वो रोड पे चलते हुए की परवाह नहीं करेगा, ऐसे करके जाएगा, हम भी जाएंगे, क्योंकि हम रेस में हैं। जैसे ही हमने कहा हम रेस में हैं, जीवन जीने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारा जीवन हमारी चॉइस का रहता ही नहीं है। वो जीवन किसकी चॉइस का बन जाता है? जिसकी चॉइस का बन जाता है जो हमारे आसपास गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे हम कर ही रहे थे तो सोशल मीडिया आ गया। अब हमारा जीवन आसपास की गाड़ी चलाने वालों की तरफ से नहीं, दुनिया में सब लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। एंड दैट्स व्हाई सिंपल थिंग्स बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड नाउ कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर बिकमिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। और फिर वो संस्कार उनके अंदर भी डाल रहे हैं। देखो उस बच्चे को, देखो उस बच्चे को, देखो वो क्या करता है। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, 1.5-2 महीने की। जब हमें छुट्टियां होती थी हम क्या करते थे? 1.5-2 महीने क्या करते थे? एंजॉय करते थे। आज तो अभी छुट्टी हुई नहीं, आप उनका कैलेंडर पहले से ही फिक्स कर देते हो, ये क्लास में जाना है, फिर ये क्लास में जाना है, फिर ये करना है। हर पूरा जीवन पड़ा है सब कुछ सीखने के लिए। नहीं, गोल्फ भी सीखना है, फुटबॉल भी सीखना है, बास्केटबॉल भी सीखना है, ड्रामा भी सीखना है, एलोक्यूशन भी सीखना है, सब कुछ सीखना है। फिर कभी हम प्यार से बोलते हैं, अरे सब कुछ नहीं सीखना है, आराम आराम से सीख लेंगे। नो, ऑल हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर ऑल दीज क्लासेस। अच्छा, तो कारण वो है, कारण ये नहीं है कि ये सब सिखाना था। दैट वन रीजन कि सब कुछ कर रहे हैं, उसके क्लासमेट्स कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स के बच्चे भी कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा तो पीछे रह जाएगा। इसका मतलब करो, अगर उनको हमने सीखने नहीं दिया, आराम से बैठना। अगर हमने उनको सीखने नहीं दिया कि बिना कुछ किए भी खुश रहना है, तो वो जीवन में कभी भी 2 मिनट भी आराम से बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ऐसा उन्होंने सीख लिया कि लाइफ इज ओनली अबाउट डूइंग 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 डूइंग। हाउ कैन आई सिट खाली? हम भी ऐसे बन गए हैं अभी, लेकिन कम से कम अपने पहले 20 साल हम ऐसे नहीं थे, तो भी हम ऐसे बन गए। लेकिन जिसने वैसी जीवन जी नहीं होगी, उनका माइंड कितना थक रहा है, दे आर गेटिंग टायर्ड। और इसीलिए इतनी छोटी सी एज में इतनी छोटी छोटी बातों के लिए वो फिर कहने लगते हैं, आई एम फीलिंग एंग्शियस, आई एम फीलिंग फियर। इट इज नॉट एंग्जाइटी, इट इज नॉट फियर, इट इज नथिंग, इट इज अ टायर्ड माइंड। वो एक थका हुआ मन है, क्योंकि उस मन को कभी आराम ही नहीं देते थे। ये कर, ये कर, ये कर, सब कुछ अभी सीख लो, ताकि शाम को जब हम पार्टी में जाएंगे हम भी बता सकेंगे, मेरा बेटा ये करता है। इट्स ऑल देयर, सटल, कीप चेकिंग वेयर द ईगो इज कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आ रही है वो ईगो? हाउ विल आई से इन फ्रंट ऑफ 5 people कि मेरा बेटा कहीं भी नहीं जाता है? बोल सकेंगे आप बोल सकेंगे? और अगर आपने बोल दिया तो 4 लोग बैठ के आपको समझाएंगे कि आप अपने बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है सारी। भाई, हम तो कुछ नहीं किया था, तो भी आज हम सब अच्छे फिट हैं ना, ठीक है ना, सब कुछ हमारे जीवन में है या नहीं है? प्लीज स्लो डाउन। द ह्यूमन माइंड इज डिजाइंड फॉर अ सर्टेन स्पीड। जैसे आपकी गाड़ी एक स्पीड के लिए बनी है, आप कभी कभी उसको फास्ट चला सकते हैं। आपका शरीर चलने के लिए बना है, आप कभी कभी भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज से डिसाइड किया कि आप चलेंगे नहीं, सिर्फ भागेंगे, तो इस बॉडी का वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सब लोग जो कह रहे हैं, सब लोग जो कर रहे हैं, वो राइट है। दैट इरा इज ओवर। क्योंकि राइट वो होता है जिसका कॉन्सिक्वेंस राइट निकलता है। अगर कॉन्सिक्वेंस में बीमारियां आई, मेंटल हेल्थ इश्यूज आए, रिश्तों में दूरियां आ गई, तो इसको फिर हम राइट कहेंगे ही नहीं। और राइट क्या है, उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक ही होता है, अगर ये कर्म करने से आत्मा की शक्ति बढ़ी तो वो राइट है, और अगर नहीं बढ़ी तो वो राइट नहीं है। क्योंकि संकल्प से मेरी दुनिया बनती है। अगर यहाँ की शक्ति नहीं बढ़ी तो मैंने जो भी कर्म किया है उसका आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद परिणाम आना ही आना है। अगर ये बच्चे सब कुछ अभी सीख लेंगे, ये बाद में करेंगे क्या जीवन भर? एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी दे गेट बोर्ड वेरी इजीली। उनको बार बार स्टिम्युलेंट चाहिए, और इसीलिए उनकी लाइफ कंप्लीटली स्टिम्युलेंट डिपेंडेंट हो चुकी है। एक तो हमने उनकी लाइफ ऐसे बना दी, एक तो दुनिया ने गैजेट्स ऐसे बना दिए, उनको स्टिम्युलेंट्स इतने दे दिए और उनको अडिक्टिव बना दिया। तो अब वो ईरा गया कि ओ माय चाइल्ड इज स्मोकिंग, माय चाइल्ड इज ड्रिंकिंग। दैट इज नाउ नॉट इम्पोर्टेंट। दे आर एडिक्टेड फ्रॉम दिस एज नाउ। और जो इस एज से एडिक्टेड हो जाएंगे, उनके पास 15-20 साल के बाद विल पावर कहां से आ जाएगी? तो फिर नंबर ऑफ एडिक्शंस तो सिर्फ बढ़ेंगी, घटेंगी तो नहीं। अब विदेश में आजकल इंटरनेट डी एडिक्शन स्टार्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन स्टार्ट हुए, रिहैब सेंटर खुल चुके हैं, दिल्ली में भी कुछ शहरों में खुल चुके हैं, मतलब भारत में, दिल्ली में खुल गया। तो इसलिए पॉज, प्लीज पॉज, क्योंकि ये वो वाली गलती होने वाली है जिसको अंडू करना नहीं होएगा पॉसिबल। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज करनी है, मेरी जीवन मेरी तरह से, माई राइट्स एंड रॉन्ग्स, एंड डजेंट मैटर कि मेरे आसपास के लोग क्या कहते हैं। हम किसी को कहते हैं आप अपने बच्चे को सुबह बिठाकर मेडिटेशन कराओ, कहते वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने बच्चे को सुबह योगा सिखाओ, नहीं, हमें उसको उधर भेजना है, क्योंकि हम उनको वो नहीं सिखाना चाहते जो स्थिरता लाएगा। योगा करना पड़ता है, धीरे धीरे करना पड़ता है, स्थिरता लाता है, इट स्लोज डाउन। हम वो करना चाहते हैं जो उसको हाइपर बनाएगा, और फिर हम कहते हैं बच्चे हाइपर क्यों गए। आप उनको बैठकर सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करा दीजिए, चलो कुछ नहीं करो, और वो भी उनको स्लो डाउन करेगी, बट वो भी नहीं करते। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में जीवन नहीं जी जाएगी। बट उसके लिए एक ही संस्कार चेंज करना है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, इट इज देयर राइट, वी आर नो वन टू सिट एंड टॉक अबाउट दैट। मुझे वो करना है और अपने बच्चों को भी वो शक्ति देनी है कि कल वो भी पीयर प्रेशर को फेस कर सकें, क्योंकि अब वो पीयर प्रेशर वो छोटू छोटू नहीं है जो 20 साल पहले हुआ करता था। हम सब भी पीयर प्रेशर से गुजरे, लेकिन वो कितनी छोटी छोटी चीजें होती थी। अब वो पीयर प्रेशर एक बहुत डिफरेंट लेवल का हो चुका है। तो इसलिए पीयर प्रेशर का विक्टिम नहीं बनना, ये पहले किसको करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे से पावर ही नहीं उनको जाएगी, सो दैट दे डोंट डू इट। हम खुद ही उनकी फोटो खींच रहे हैं, हम खुद ही उनके वीडियो बना रहे हैं, हम खुद ही उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और हम खुद ही चेक कर रहे हैं उनको कितने लाइक्स मिले। तो फिर तो हम ही उनको उसका विक्टिम बना रहे हैं ना, कि तुम अच्छे तब हो जब दुनिया आपको लाइक करेगी। क्या हमें ये नहीं पता है कि दुनिया किस चीजों को ज्यादा लाइक क्लिक करती है? क्या हमें ये नहीं पता है? तो फिर हम कैसे अपने बच्चों को या अपने जीवन को लोगों की लाइक्स के ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं? क्योंकि एक बार उनको उसकी एडिक्शन पड़ गई, फिर वो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो आप फिर रोक नहीं सकेंगे, सो दैट दे गेट मोर लाइक्स। एंड देन इट इज नॉट लाइक्स ओनली ऑन सोशल मीडिया, देन आई वॉन्ट लाइक्स इन माई लाइफ ऑल्सो, एवरीबडी हैज टू लाइक मी, एंड बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू लाइक मी, आई विल हैव टू डू व्हाट दे आर सेइंग। इसीलिए धीरे धीरे जिन बातों के बारे में हम 20-25 साल की एज में बात करते थे, वो आज स्कूल में बात कर रहे हैं। जिन सब्सटेंसेस को हम 20 साल के बाद ट्राई करते थे, आज वो स्कूल में बात कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे वो स्कूल में भी कौन सी क्लास में उसके बारे में बातें कर रहे हैं, दैट्स गोइंग। थोड़े दिन पहले आई वॉज इन अ स्कूल, और वो प्रिंसिपल ने कहा मेरे पास 2 बच्चे लाए गए, एक लड़का एक लड़की, 4th स्टैंडर्ड में, एंड दे वर फिजिकल विद ईच अदर, एंड शी सेड इट केम एज अ बिग शॉक, अभी व्हाट एम आई गोइंग टू टॉक टू देम। आई सेड 4th स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। शी सेड हाँ 4th स्टैंडर्ड। शी सेड और मुझे पता ही नहीं लगा मैं इनसे इस बारे में बात कैसे करूं, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को थोड़ी कुछ आता है। तो शी सेड मैंने सिर्फ उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपको ये थॉट आया कहां से, क्योंकि आपको तो इस बारे में पता ही नहीं होना चाहिए, तो आपको ये थॉट कैसे आ सकता है। तो कहा मैंने उनको सिर्फ पूछा आपको ये थॉट आया कहां से, तो उन्होंने कहा वो हमारे स्मार्ट टीवी पे था, हमने ऑन किया और वो वीडियो आ गया। वी हैव नो आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चों की इनोसेंस खत्म होती जा रही है, बच्चों की प्योरिटी खत्म होती जा रही है। फिर उंगली उधर नहीं रखनी है बिल्कुल भी।